हे गाइस, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से प्लांट को कितना पानी देना है और कितने टाइम डिफरेंस से? क्या जस्ट ऐसे ही बस एक साथ सारे प्लांट्स को पानी देते चले जाते हैं? इज इट द करेक्ट वे? नो, एक्चुअली इट्स नॉट अ करेक्ट वे। हमें हर प्लांट को पानी कब और कितना देना है ये डिसाइड करती हैं इस प्लांट की रूट्स। लेट्स सी, ये देखिए, ये है मेरे पास एक प्लांट जिसका नाम है कोलियस, और इसकी रूट बहुत ही थिन है जो हमें इंडिकेट करती हैं कि इस प्लांट को पानी की नीड रेगुलर ही चाहिए। मीन्स ऑल्टरनेट डेज या 3 दिन में एक बार हम इस प्लांट को इजीली वाटर दे सकते हैं। अब एक दूसरी तरफ देखते हैं, ये प्लांट है जिसकी रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं थोड़ी थिक, दैट मीन्स दीज आर फ्लैशी रूट्स। अब अगर हम इसको रेगुलर वाटर करते रहेंगे तो प्लांट हमारा खराब हो सकता है, मींस इसकी रूट्स जो है रॉट हो जाएंगे और प्लांट डाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपैरेटिवली साथ साथ रख के ये रूट्स कैसी दिखाई देती हैं। ये देखिए, डिफरेंस आपके सामने है। तो अगर फ्लैशी रूट्स को बार बार पानी दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो डैमेज ही हो जाएंगी। तो ये फ्लैशी रूट्स वाला प्लांट है स्पाइडर प्लांट, जिसको मैं केवल वंस इन अ वीक वाटर देती हूँ। मींस मैंने रूटीन बनाया है संडे टू संडे, जिसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता कि कौन से दिन दिया था, मे बी हम भूल जाएं वीकडेज। तो आप संडे टू संडे अगर इस प्लांट को पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। और हाँ, इसको अच्छे से धूप की भी ज़रूरत होती है। और ये प्लांट है मेरा स्पाइडर प्लांट, जिसमें से आज ही मैंने ये ट्यूब सेपरेट भी करी है और इससे न्यू बेबी प्लांट ग्रो हो सकते हैं। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो रिलेटेड वीडियो में जाके देखिए, आई हैव सेव्ड दिस लिंक। तो टाइप ऑफ रूट के अलावा वेदर कंडीशंस भी हैं जो प्लांट में वाटरिंग को डिसाइड करती हैं। जस्ट लाइक इन अ हॉट समर डे वी विल गिव मोर वाटर, एंड द विंटर और द रेनी सीजन वी विल गिव द लेस वाटर। तो अपने प्लांट्स को बनाए रखिए हेल्दी, जिससे आप रहेंगे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून, बाय बाय।